प्लीज आके आप प्लीज, उनकी पल्स चली गई, मैं चीख रही और वो जो ठुमके मारती हुई लड़की आ रही है, मैं आप फिक्र ना करें, मैं कर रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे भाई जो के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एक बड़े काबिल इंसान थे, डॉक्टर मोहम्मद खावर हुसैन खान, उनकी आज डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से, आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शस ट्रीटमेंट सेंटर चक शहजाद, जो के NIH के अंडर आता है। और उसकी बड़ी नेट के ऊपर जी बड़ा ट्रेंड स्टाफ और ये वो, जब आप लोगों को पता है कि एक इंसान की मल्टीपल इश्यूज हैं, जिसमें कोविड के साथ साथ निमोनिया एंड साथ में उनको जो लंग्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन, साथ में आपको पता है कि उनको स्टेंट्स भी लगे हुए हैं हार्ट पे, तो ऐसे पेशेंट को जो कि मल्टीपल इश्यूज का शिकार है, उसके लिए मैं जब भी अंदर पूरा गियर पहन के, पूरा वो गाउन पहन के और मास्क लगा के और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके मैं अंदर जाती हूँ, और मैं ही सिर्फ जाती हूँ क्योंकि हर कोई जाता नहीं है, और वहां पे अटेंडेंट भी मौजूद है जो कि हमने वहां पे प्रोवाइड किया, और जब भी मैं जाऊं वो कहे कि जी वो मैंने बुखार लिया, और फिर मैंने जाके वहां पे स्टाफ को बताया कि जी बुखार है तो दवाई लगा दें, और ये वो नहीं कह रहा, जब भी मैं जाऊं मैं जाके कहूं यार उनका जो ऑक्सीजन है वो ड्रॉप हो रहा है, प्लीज आके देखें, प्लीज आके देखें, और जो उनका डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर वाजिद मुनीर जो कि उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, वो सुबह आते हैं और उसके बाद 3 बजे चले जाते हैं, और उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ है उनको कनोला तक लगाना नहीं प्रॉपरली आता है, एक आ रहा है वो लगा रहा है, ओ हो ब्लीडिंग हो रही है, आगे जा रहा है वो लगा रहा है, तो आप लोग इतनी जो फैसिलिटी खोल के बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल कोविड का पेशेंट तो आपके लिए ठीक करना कोई इतनी कोई तुर्रम खानी नहीं है, जाहिर है वो तो आप ठीक हो जाता है, जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन वाला है और जो खुद प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर है, उसको आप, और आप कहते हैं मेरा उस्ताद है ये हमारे काफी सारे, वो 10-10 दफा आप लोगों को जा के मुझे कहना पड़ता था यार आके प्लीज देख लें, यार आके प्लीज देख लें उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, हाँ हाँ नहीं नहीं वो हमने कर दिया है और फलाना है, और वो कल रात को मुझे कह रहे थे कि आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है मुझे, किसका काम है चेक करना बुखार, नर्सिंग स्टाफ का काम है चेक करना बुखार, जो अटेंडेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ उसका काम नहीं है बुखार चेक करके आप लोगों को जाके बताना कि यार आके प्लीज उनको बुखार है उनको दवाई लगा दें, और आप लोग टहलते टूलते 10-10 दफा कहना पड़ता है आप लोगों को, आप लोग वो कमरा जो आप लोगों को मिला हुआ है उधर बैठ के हंसी टट्टे कर रहे होते हैं, ये मैं खुद विटनेस हूं इस बात की, कितनी दफा मैंने जा के कहा यार प्लीज आके चेक कर लें, प्लीज आके, आपको पता है एक कॉम्प्लिकेटेड केस है उसको आप नॉर्मल उसमें ट्रीट कर रहे हैं, हाँ जी बस आ रहे हैं फलाना है लगा रहे हैं बायपैप लगा रहे हैं, एक बायपैप लगा रहा है उसको समझ नहीं आ रही लगाना, आप लोग नर्सिंग स्टाफ जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं रख सकते, बड़ा आपने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ जी बड़ा NIH ने ट्रेन किया स्टाफ, क्या ट्रेन किया आपने, नॉर्मल पेशेंट को तो मैं भी देख लूं मेरे से वो ज्यादा ठीक हो जाएगा, ना आप लोग रीअश्योर करते हैं, आके पूछ रहे हैं अच्छा जी क्या है, चार लोग आ रहे हैं चार लोग जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि आप लोग फैसिलिटी खोलते हैं ना तो अपने नर्सिंग स्टाफ को भी कुछ बताया करें, कुछ उनको रिफ्रेशर कोर्स कराया करें कि कनोला नहीं लगाना आता आपको, मेरे भाई के जख्म सारे बने हुए।
ब्रूज्ड, वो बार बार मुझे कहे कि ये ठीक नहीं कर रहे ये, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बड़े उस्ताद उस्ताद कर रहे हैं, कि आपका जो उस्ताद है वो लेटा बार बार कह रहा है कि मुझे आके देखो, और तुम लोग बैठे हुए वहां पे, एक जा रहा है एक आ रहा है, जी वो गुस्सा करते हैं वो फलाना, तो क्या करेंगे, प्यार करेंगे? एक बीमार आदमी थोड़ा सा चिड़चिड़ा ही होगा ना. यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट यू डफर्स. मैं बोल रही हूं कि प्लीज आके आप, प्लीज. उनकी पल्स चली गई, मैं चीख रही, और वो जो ठुमके मारती हुई लड़की आ रही है, मैं, आप फिक्र ना करें, मैं कर रही हूं. देर कर देते हो तुम लोग और सारा कुछ डाल देते हो. अल्लाह को ये मंजूर था? अपनी इनकॉम्पिटेंस नहीं देखते हो तुम लोग? काश तुम लोग अपने प्रोफेशन से एक दफा जो है, अगर प्रोफेशन चूज करते हो तो उसके साथ दयानतदारी कर लो. हंसी ठट्ठे और जो मार रहे होते हो कि हाँ बस ठीक है देख लेंगे. और ये कैसा इंस्टीट्यूट है, आइसोलेशन हॉस्पिटल फॉर इन्फेक्शन ट्रीटमेंट डिजीजेस चक शहजाद में आप लोगों ने खोला, जिसके अंदर रात को कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद ही नहीं होता. सारा दिन वहां आके पीछे वो जो रूम है आप लोगों का, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम, उधर बैठे रहते हो तुम लोग. चीख चीख के मैं कह रही हूं प्लीज आए, प्लीज किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाएं, प्लीज आए, प्लीज आए. वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस वक्त. आई एज अ नॉन मेडिकल पर्सन नो दैट कार्डियक अरेस्ट में कितना क्विक होना पड़ता है. आपको पता है एक आदमी का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को वो मशीन साथ में रखनी चाहिए थी. शर्म करो तुम लोग. कोई बोलता नहीं है ना, क्योंकि इस मुल्क में को बोलने के लिए हर कोई कहते नहीं 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 चुप रहे, नहीं 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 चुप रहे, चुप रह रहे कि तुम जैसे लोगों को जो है ना. तब मैं चीख चीख के मैंने सबको बुलाया तो ठुमके मारते हुए तुम लोग आए. अपने जमीर से पूछना, तुम लोगों में से जितने थे जिन्होंने कनोला गलत लगाया, जिन्होंने गलत जो है बायपैप को टाइट किया, जिन्होंने गलत वो किया, याद रखना तुम लोग, हमने बड़ी कोशिश की. कोशिश तो खोता भी करता है भागने की. बड़ा जी बड़ी हमने ट्रेन किया है स्टाफ को, कोई रिफ्रेशर कोर्स भी करा दिया करो. वहां पे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के चाय और बिस्किट खाते रहते हो तुम लोग. एक सीनियर डॉक्टर नहीं होता वहां पे रात में. शेम ऑन ऑल ऑफ यू, यू ट्विट्स. मैंने आप लोगों से ये कहना है कि अगर कोई भी इंसान, आपका रिश्तेदार बाहर का कोई भी बीमार है, या वो पेशेंट है, या वो जो भी है, वो कुछ कहे ना कि उसका दिल घबरा रहा है, या उसको कोई इशू हो रहा है, या उसका दिल किसी चीज़ पर मान नहीं रहा, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते उसकी बात सुना करें. उसको ये बकवास करके ये ना बोला करें कि नहीं नहीं तुमको लग रहा है, फलाना है, ऐसा है तो है नहीं. लगता उसी वक्त है जब तक कुछ हो ना. एक इनर वॉइस भी होती है जिसमें मोस्टली हमारे माशरे में बिलीव ही नहीं करते, अंदर की आवाज़ होती है, तो उसको गौर से सुना करें, क्योंकि वो काफ़ी कुछ मुश्किलात का हल भी होती है. तो बस मैंने ये कहना था कि सुना करें लोगों की बात, अपनी जो